हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिगिनर्स के साथ फुल बॉडी वर्कआउट के साथ। तो हमारे साथ इसमें जितेंद्र हैं, इन्होंने अभी न्यू जिम स्टार्ट किया है, तो आज इनको हम फुल बॉडी वर्कआउट करवाएंगे। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले हम इनको वॉक करवाते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो वॉक में सबसे पहले स्क्वाट स्टार्ट दोस्तों, जब आप कभी बेंच प्रेस करते हो चेस्ट पे, तो इस पे नीचे सबसे पहले आपको देखना है कि आपके बेंच में और कमर में गैप होना चाहिए, और जो आपके एल्बो हैं ये थोड़े आगे की तरफ होने चाहिए। अगर ये आपके आगे की तरफ होंगे तो ये प्रॉपर चेस्ट पे आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखना। और दोस्तों, आप कभी भी जब भी सीटेड रो करते हो तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एल्बो, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, और इसमें चेस्ट को अप रखना है आपको, और बिल्कुल पीछे की तरफ होके बैठना होता है इसमें। और जितना पीछे स्विच करोगे उतना ही आपकी बैक को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इसके भी आपको 3 सेट करने हैं 12, 10, 8 के बिगिनर्स के लिए। और आप जब भी बाइसेप्स करते हैं तो इसमें अपने डंबल को आगे की तरफ रखना है, और आपका एल्बो है वो भी आगे की तरफ रहेगा, आपका एल्बो है वो मूवमेंट नहीं होगा। और इसको बिल्कुल धीरे धीरे करना है जब भी ये प्रॉपर बाइसेप्स पे ट्रेन होगा। और ये भी आपको 12, 10, 8 के 3 सेट करने होंगे। और दोस्तों, आप जब ट्राइसेप्स में केबल से करते हो तो इसमें ध्यान रखना है कि आपके एल्बो है वो मूवमेंट नहीं होंगे, और नीचे की तरफ इसको पूरा स्विच करना है। और आप जब भी शोल्डर के अंदर डंबल प्रेस करते हैं तो आपको अपने हाथों को ज़्यादा वाइड नहीं खोलना है, इसको अपने शोल्डर की बराबर। आप जब भी रोड से स्क्वाट्स करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके घुटने हैं वो पंजों से आगे की तरफ नहीं होने चाहिए। स्क्वाट करते टाइम आपको बिल्कुल पीछे की तरफ होके बैठना है, और जितना हो सके उतना डीप जाने का कोशिश करें।